आपकी प्राथमिकता का प्रतीक है। डबलिंग फार्मर इनकम का जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया था उस दिशा में एक कदम, और साथ ही साथ एग्रो या एग्री स्टार्टअप का जो नया वर्ग इस देश में उभर करके आया है, भले वो लेवेंडर के माध्यम से आया, भले वो मिलेट के माध्यम से आया, भले वो अरोमा के माध्यम से आया, उसी को प्रोत्साहित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पड़ाव। आज वो जमाना नहीं रहा कि कृषि करने वाले किसी व्यक्ति को किसी मौसम विशेष का इंतजार करना पड़ता था या कोई स्थान ढूंढना पड़ता था किसी न किसी तरीके कोई विशेष उपज लगाने के लिए। आज टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक हो चुकी है, विशेषकर बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि मौसम की दिक्कतों से ऊपर उठ करके, उसकी बंदिशों से ऊपर उठ करके क्लाइमेट रेजिस्टेंट पैदावार की जा सकती है। स्थान चाहे कोई भी हो, साल का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, और खेती चाहे किसी भी उपज की क्यों ना हो, हमारे इसी मंत्रालय में विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण ने इसको लेकर के 2-3 बड़े सफल प्रयोग किए हैं पिछले कुछ एक सालों में। हमारे पालमपुर की CSIR लेबोरेटरी में ट्यूलिप का फूल साल भर उगाया जाता है, इसी प्रकार लखनऊ की लेबोरेटरी ने 108 पत्ते का कमल का फूल उगाया है, और यहाँ पर ये जो नई टेक्नोलॉजी हुई है SPD सीड फैसिलिटी, इसके माध्यम से जेनेटिक टेक्नोलॉजी को भी जोड़ करके किस्म किस्म के क्रॉप्स, उनकी मात्रा भी बढ़ाई जाएगी, उनकी गुणवत्ता भी, यानी अगर चावल तो ऐसी वैरायटी का भी हो सकता है कि जिससे शुगर रोग से प्रभावित लोगों को लाभ हो, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होगा। चावल ऐसी किस्म का भी हो सकता है कि जिसमें पोषण की मात्रा अधिक हो, आयरन, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, जिंक, विशेषकर बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। इसी प्रकार दूसरे क्रॉप चाहे वीट है, और इसका किस प्रकार से सही उपयोग किया जाए उसके लिए मुझे हर्ष के यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर पारीक और उनकी टोली ने उद्योग जगत के साथ, इंडस्ट्री के साथ भी समन्वय बनाया हुआ है, ताकि ये सब पदार्थ उन लोगों तक पहुँच सके जिनके लिए ये विकसित किए जा रहे हैं। और आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार इस बात को समझती भी है, उसको प्राथमिकता भी देती है, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि वोट ऑफ अकाउंट जो संक्षिप्त तौर पर आया था, वो इस वर्ष ये चुनाव का वर्ष है तो पूरा बजट नहीं रहता, वोट ऑफ अकाउंट में भी विशेषकर बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में वित्त मंत्री जी ने ये उल्लेख किया कि एक अलग से योजना निर्धारित की जाएगी बायो मैन्युफैक्चरिंग की। और आज स्थिति यह है कि भारत दुनिया के 4-5 प्रथम श्रेणी के बायो मैन्युफैक्चरिंग देशों में माना जाता है। मोदी जी के आने से पहले 2014 में हमारी बायो इकोनॉमी मात्र 10 बिलियन डॉलर हुआ करती थी, अब 13 गुना बढ़ करके 113 बिलियन डॉलर हो गई। और जो जो हम सन 2047 की तरफ बढ़ेंगे विकसित भारत की यात्रा में जिसे मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने वाली है उसमें बायो इकोनॉमी का, बायोटेक्नोलॉजी का, और इस तरह कि जो हमारे संस्थान है नाभी मोहाली जैसे संस्थानों के द्वारा किए गए शोध का विशेष योगदान है।